चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सिद्धियों, ये कंपटीशन तो मैं जीतूंगा। तो फिर बोला मोंटू पेंटिंग बनानी है, खुद को कार्टून ही बनाना तुझे। तो फिर आ गई चुप्पी। तीजी तो ये कंपटीशन तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लगा नहीं जीतेगा, और अगर किसी में हिम्मत है ना, इन बॉक्सेस को टच करके दिखाए। मोंटू मान जा, वरना वरना हा? वरना तू मोंटू बॉस को दम किधर है? तू कहना क्या चाहता है? मोंटू बॉस के पेट में हवा भरी है, क्या कहना चाहता है तू? मोंटू तुझे दम नहीं दे सकते। तू ही मोंटू का चुप। क्या वरना क्या बोल बोला? हम कलर नहीं लेंगे, सिंपल। तो और क्या? हमें कलर लेकर आएंगे। हाँ, लेकर आएंगे। हम कलर लेकर आएंगे। हाँ, लेकर आएंगे। ठीक है, इतने हिम्मत है ना, आ जाओ। किसमें हिम्मत है लेने की? तू लेगा? हाँ तू लेगा, बोल। नहीं लूंगा। मुझे भी देखना है, आओ मैं यही कराऊ। किसमें हिम्मत है ना, वो मुझे लेके दिखाओ। आपने जो मुझे काम कहा था वो मैंने कर दिया। अब बचा है सिर्फ एक काम, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा। ओके, अलविदा, शबाकर, बाय बाय। प्रचंडिका, एक बात समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात? अरे है, लगता मुझे तो नहीं आता तुम्हें तो कुछ भी समझ। और ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों रखा ये बेकार और बेवकूफ तबा तबा को अपने साथ। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें शातिर बनी? यही कि क्यों रखवा रही हो ऐसी चित्रकारी प्रतियोगिता? सीधा बालवीर से चित्र बनाकर उसी पे वार क्यों नहीं कर देती? क्योंकि बालवीर हर बार मेरे वार का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है और बच जाता है। इसीलिए इस बार मैं बालवीर को सामने से नहीं बल्कि किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर वार करूंगी। ये चित्रकारी प्रतियोगिता सिर्फ बालवीर को वहां व्यस्त रखने के लिए रखी गई है, ताकि मैं यहाँ रंगीला को आजाद करने की योजना बना सकूं। नहीं कर पाऊ रंगीला को आजाद, कर पाऊ रंगीला को आजाद है लगा कर रखी आपने एक ही रख। करेगा क्या ऐसा आपका वो रंगीला? बेकार ही फौज में हो जाएगा शामिल एक और बेकार सिपाही। और क्या? रंगीला बेकार सिपाही नहीं है, वो बुराई के रंगों से बना एक चलता फिरता चमत्कार है। रंगीला कोई आम इंसान नहीं है, वो बुराई का वो रंग है जिसे पनियों का जादू समाप्त नहीं कर सकता। इसीलिए परियां सिर्फ उसे कैद कर पाई थी। इस बार मैं रंगीला को सामने रखकर परियों पर वार करूंगी, जिसके लिए रंगीला का आजाद होना बहुत जरूरी है। और जब तक रंगीला आजाद नहीं होता, हमें बालवीर और परियों के पीठ पीछे चुपचाप अपनी योजना को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए जाओ और जाकर वो काम पूरा करो जिसके लिए मैं ये ब्रश लेकर आई हूं। ठीक है। दोनों हाथ कमर के पास लाकर शेक हैंड्स करो। अब होगी देश की प्रगति। बस ये है मेरी पेंटिंग की थीम और उसका मैसेज।
भ्रष्टाचार बंद होगा तभी महंगाई कम होगी, और महंगाई कम होगी तभी हमारे देश की और हमारी तरक्की होगी। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह भाभी, मुझे ये पेंटिंग देखनी है। नहीं नहीं रुकिए, स्टैच्यू बिल्कुल मत लीजिए वरना मेरी पेंटिंग खराब हो जाएगी। ये मना किया ना, तो बाप भी सीधे खड़े रहिए ना। बस 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 पास ये। हाँ तो स्मिता सीधा सीधा से बोलो ना कि टीवी की ओर मुंह करके खड़े रहो। हाँ हाँ टीवी की तरफ ही मुंह करके खड़े रहना है। हाँ। हाँ। ए, सब लोग कान खोल कर सुनो, मेरे अलावा इस कंपटीशन में कोई पार्ट नहीं लेगा। क्यों भाई क्यों, कोई पार्ट क्यों नहीं लेगा? अरे अगर तुम सब पार्ट लोगे तो मोंटू बॉस हार जाएंगे, और मोंटू बॉस तब भी फर्स्ट आएंगे जब वो रेसिंग में अकेले ही दौड़ेंगे। मुझे तो वो भी मुश्किल ही लगता है, मोंटू तो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं बस तुम लोगों को समझा रहा हूँ, अगर किसी ने पेंटिंग बनाई और उसके मम्मी डैडी उसे नहीं पहचान पाए क्योंकि उसका मुंह काला नीला है, तो उसमें मेरी गलती नहीं। पर हाँ मेरे पास एक ऑफर भी है, मस्त ऑफर। जो बच्चा मुझे दूसरे बच्चे की पेंटिंग खड़ा करने में मदद करेगा, मैं उसे पूरे एक दर्जन इम्पोर्टेड चॉकलेट दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे मेरा इम्पोर्टेड वीडियो गेम भी खेलने के लिए दूंगा, और तो और उसे मेरे मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी के ग्रेटेस्ट गाड़ी में घर तक छोड़ूंगा, वो भी एसी में। बॉस ये कौन सी नई ऑफर है, ये ऑफर मुझे तो नहीं बताई आपने कभी। बेवकूफ, इसे लालच बोलते, तू नहीं समझेगा। पर बॉस ये विद्या, ये लालच से आपकी बात मानेंगे क्या, आपका साथ देंगे क्या? तू तो दे रहा है ना, तो पिद्दी हो पिद्दी। दोस्तों कहाँ था मैं? मोंटू तू इधर ही था। सुन जरा मोंटू, सुनो अब ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें मोंटू से स्वीट पे गिफ्ट चाहिए या मोंटू के मुंह। दुआ में याद रखना। ये जो बोला वो करेगा क्या? क्योंकि अगर इसकी मदद नहीं की तो नुकसान है, और अगर इसकी मदद की तो फायदा ही फायदा। अरे मनीष तू डर मत, कुछ नहीं होगा, बाल मित्र और बाल सखी है ना तेरी मदद के लिए। मेरा मतलब बाल मित्र बालवीर और बाल सखी है ना तेरी मदद के लिए। चलो चलो अपना अपना पेंटिंग बनाओ। बल्लू नहीं है? अच्छा अब हम अपना काम आराम से कर सकता है। इसको पकड़ू मनीष, अभी जाकर उसका ब्रश बदल कर देता है। आपके से ड्राइंग कर रहा है, अपने आप पेंटिंग बना रहा मुझे। यहाँ किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है।
मेरी पेंटिंग तैयार। अरे आंखें तो खोलिए। कहाँ से? मुझे दिख नहीं रहा। अरे एक मिनट। हाँ, हाँ, यहाँ आंखों की पट्टी है क्या? हाँ, देखिए क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, एकदम हूबहू। अरे क्या हूबहू, मैं हूबहू घर की बहू ने हूबहू पेंटिंग बनाहू बनाई। बाकी अब हमें इनाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है कौन? ये हथकड़ी, ये हथकड़ी पहन के हम कैसे जाएंगे? अब जल्दी से हथकड़ी खोल दो। हाँ, अभी खोलती हूँ। चाबी कहाँ रख दी? स्मिता संसार की सारी चीजें भूल जाओगी चलेगा, लेकिन ये चाबी मत भूलना स्मिता। कुछ भी करो याद करो चाबी कहाँ है। याद आया, आपकी जेब में है। मेरी जेब में? नहीं है। दूसरी जेब में देखिए ना। ले। ऐसा डालूंगा, खा खोल दूंगा। अब मोटा भाई। हाँ। मैं खोलू? खोल। हाँ। देखा ये ऐसा खटक करके खोल खुल गई। मोटा भाई। हाँ। चाबी तोड़ दी। मैं चाबी तोड़ दी? अब हम अलग कैसे होंगे? महेश पिता, महेश शांत हो जाइए। आप लोग वहाँ जाकर बैठे, मैं कुछ करती हूँ। आप लोग बैठे। बंद करो सब लोग। दोस्तों हट जाओ यहाँ से, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मनी तू क्या कर रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी मैं करूंगा। मनीष तू पागल हो गया क्या? बालवीर, बालवीर बचाओ। और जोर से बुलाओ बालवीर को। तुम्हारी आवाज इस चित्र से बाहर नहीं जाएगी। और बालवीर अगर तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा तो तुम्हें बचाने कैसे आएगा? बालवीर, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की निकलने की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है ये ऐसी जगह है जहाँ से हमें बालवीर भी नहीं सुन सकता। बालवीर, बालवीर मुझे लेकर जाओ यहाँ से। बालवीर, प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। मुझे पागल बोला? मुझे पागल बोला? मनीष ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, दिख नहीं रहा लल्लू? तोड़ फोड़ कर रहा हूँ। मनीष तुम ये सब जो कर रहे हो वो गलत है, होश में हो मनीष। जाओ मनीष। बल्लू, बल्लू लल्लू तो ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक ये मनीष को क्या हो गया? पहले वो लड़का जो अपने छोटे भाई को सता रहा था, और अब मनीष। कुछ तो गलत हुआ इन दोनों के साथ जो दिख नहीं रहा है। प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। हमें अपने घर जाना है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। प्लीज हमारी हेल्प करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। प्लीज हमारी हेल्प करो। तो बचाओ, बचाओ। प्लीज हमें बचाओ, प्लीज, प्लीज हमें बाहर निकालो। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। चिल्लाओ और चिल्ला, जितना चाहो उतना चिल्ला, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। तुम्हें यहां बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि तुम लोग Wow!
इस चित्र में अब हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं हूँ रंगीला। बुराई के रंग फैलाता हूँ, अच्छे बच्चों को बुरा बनाता हूँ। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिंता मत करो, तुम दोनों ज्यादा दिन तक यहाँ अकेले नहीं रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम जैसे अच्छे बच्चों की और बहुत सारी अच्छी छवियां यहाँ आने वाली हैं। हमें लाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आजादी, आजादी मिलेगी। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी कैद ही मेरी आजादी की चाबी। ये गलत कर रहे हो। बालवीर को पता चला तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा देगा। सजा देगा रंगीला को? अरे भोले नादान बच्चों, उल्टा ये मनाओ कि बालवीर यहाँ आए ही ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो वो भी तुम्हारी तरह यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, और उसकी बुराई वाली छवि नीचे धरती पर बुराइयां फैलाएंगी। जरा सोचो कितना अच्छा होगा, बालवीर बच्चों का रक्षक, देगा बच्चों को ही दर्द। बिल्कुल सही कहा रंगीला, और सही समय आने पर होगा ऐसा ही। लेकिन इस वक्त तबा तबा तुम धरती पर जाओ और इस जादुई ब्रश से सारे बच्चों की अच्छी छवि यहाँ भेजकर बुरा बनाओ, और इतने बच्चे बुरे बनाओ कि जहां तक नजर जाए वहां बच्चे बस बुराई करते हुए नजर आए। देख लिया बालवीर ने ये सब तो कर देगा मेरी हालत खराब। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि पृथ्वी लोक पर इतनी बुराई फैलाओ कि बालवीर को पता ही ना चल सके कि वो बुराई को कहां से दूर करना शुरू कर, और जब तक उसे समझ आए तब उसके पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा ही ना बचे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.